हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स नॉट 40X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके व्हाट्सएप की इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं हो रही है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है, इसे ओपन कर लेना है। अब इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा है, इसे टैप करना है। अब इस पेज में आप नीचे आएंगे तो ये ऑप्शन एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे आपको क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। तो आपका कैच के सामने डेटा ये जीरो हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपका जो व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप को उंगली से दबा के रखना है, ठीक है। तो ये छोटा सा पेज ओपन होता है, इसमें देखिए ऐप इन्फो का ये ऑप्शन है, इसे टैप करना है। अब देखिए इस वाले पेज में स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। ध्यान रखना है सिर्फ आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका कैच के सामने डेटा ये भी जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि इंटरनेट को चालू करके मोबाइल फोन का प्ले स्टोर ओपन करना है। इसमें आपको नीचे सर्च पे आपको टैप करना है, सर्च, ठीक है। अब यहां पे सबसे ऊपर सर्च बार में व्हाट्सएप लिख के सर्च करना है, ठीक है ना। तो आपका जो है ना सामने की तरफ व्हाट्सएप आएगा, तो व्हाट्सएप के सामने देखिए मेरे फोन में ओपन लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपके फोन में ओपन की जगह यहां पे अपडेट का बटन दिखाई देता है तो उसे अपडेट पे टैप करके व्हाट्सएप को अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। इसमें आपको नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है। अब यहाँ पे रीसेट ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके मोबाइल फोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करने हैं, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।